तो हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है इस नए वीडियो में। तो मैं ऐसा करता हूँ आप लोग ठीक एंड मस्त होंगे, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं भाई कुछ इसी टाइप से। अगर आप लोग को भी सीखना है जो कि सीवी फोटो एडिटिंग बहुत ही कम समय में, ठीक है भाई, बहुत ही कम समय में कुछ इसी टाइप से सीवी फोटो एडिटिंग सीखना है, एंड वो भी वन क्लिक में ऑनलाइन फोटो एडिटिंग, ठीक है भाई, वो भी वन क्लिक में सीखना है, तो ठीक है ऑनलाइन फोटो एडिटिंग कुछ सीखना है ना, तो इसी टाइप से आप लोग को सिखा देंगे बहुत ही गजब तरीके से, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। एंड बहुत ही गजब तरीके से हम यहाँ पे जो है कि फेस को वाइट भी किए हैं, एंड बहुत ही गजब तरीके से यहाँ पे बैकग्राउंड चेंज भी किए हैं, ठीक है। बैकग्राउंड चेंज वन क्लिक में सीवी फोटो एडिटिंग सीखना है भाई लोग, तो वन क्लिक में बैकग्राउंड चेंज सीखना है, तो यहाँ पर आप लोग को इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है, तभी आप लोग यहाँ पर सीख पाएंगे, ठीक है भाई लोग, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को रियल प्रूफ दिखाएंगे बैकग्राउंड चेंज एंड फोटो एडिटिंग, ठीक है भाई लोग, तो बहुत ही गजब तरीके से बताएंगे, एंड शुरू से लास्ट तक वीडियो को देखो 100%। अगर आप लोग भी कुछ इसी टाइप से फोटो एडिटिंग करना नहीं सीख पाएंगे तो कमेंट करके बताइएगा भाई, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्रोम ब्राउजर, ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है, ठीक है। एंड सबसे पहले हम लोग का यही काम रहेगा भाई लोग, ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेंगे। एंड यहाँ पे हम लोग सर्च बार में क्या सर्च करेंगे भाई लोग, जान रहे हैं, यहाँ पे हम लोग को सर्च करना है, जो कि यहाँ पे आप लोग को दिखा दे रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे जैसे हम लोग आएंगे तो यहाँ पे आप लोग को सर्च करना है, ठीक है, जो कि आप लोग यहाँ सर्च बार में सर्च का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग को सर्च करना है, ठीक है, यहाँ पे आर ई एम ओ ओ वी ई, ठीक है भाई लोग, इतना सर्च करने के बाद आप लोग को वी जी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे वी जी सर्च कर लिए हैं, ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना। तो कुछ इसी टाइप से अगर आप लोग को भी यहाँ पे सर्च कर लेना है, रिमूव वी जी का एक ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, तो रिमूव वी जी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। एंड जैसे हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा वेट करेंगे भाई लोग, और बहुत ही गजब तरीके से वन क्लिक में बैकग्राउंड चेंज फोटो एडिटिंग सिखाएंगे। एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक वेबसाइट खुल के ओपन हो जा रहा है, ठीक है, तो क्या करेंगे गाइस, इसी वाले हम लोग वेबसाइट को ओपन कर लेंगे, ठीक है। एंड इस वाले वेबसाइट को हम जैसे ओपन करेंगे तो थोड़ा सा वेट करना भाई लोग, थोड़ा सा वेट करने के बाद आप लोग यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को एक ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है भाई लोग, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक ऑप्शन मिल जाएगा जो कि आप लोग को अपलोड इमेज का, ठीक है भाई लोग, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस अपलोड इमेज वाले ऑप्शन पे क्या करेंगे हम लोग, क्लिक कर देंगे, ठीक है ना, इस वाले अपलोड इमेज पे जैसे क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा हम लोग वेट करेंगे। एंड गाइस हम लोग को क्या करना है ना, यहाँ पे हम लोग जैसे कि ब्राउजर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम लोग का गैलरी खुल के ओपन हो जाएगा, ठीक है, तो इस वाले ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करके एंड फाइल को ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो कि आप लोग यहाँ पे गैलरी में से भी फ़ोटो चूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना भाई लोग। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि हमको इस वाले फ़ोटो को ऐड करना है, तो इस वाले फ़ोटो को क्या करेंगे हम लोग, क्लिक कर देंगे, ठीक है, तो इस वाले फ़ोटो को हम लोग क्लिक कर दे रहे हैं। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं भाई लोग, जो कि हम लोग का प्रोसेसिंग चालू हो रहा है, एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्रोसेसिंग हम लोग का चालू हो जा रहा है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा वेट लगेगा भाई लोग, जैसे ही आप लोग का नेटवर्क वर्क करेगा वैसे ही यहाँ पे ये शो करेगा, ठीक है ना, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ठीक है भाई लोग। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, एंड आप लोग शुरू से लास्ट तक वीडियो को देखेंगे तो अभी आप लोग समझ पाएंगे, ठीक है ना भाई लोग। तो यहाँ पर आप लोग क्या करिए, शुरू से लास्ट तक देखिए, एंड 100% आप लोग भी सीख जाएंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा वेट करते हम लोग, एंड यहाँ पे हम लोग को ना एकदम ध्यान से भाई लोग क्या करना है, शुरू से लास्ट तक वीडियो को देखना है, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, एंड जब भी मैं एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो डालूँ आप लोग को नोटिफिकेशन मिलते रहे। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि हम लोग का अभी नेटवर्क नहीं चल रहा है, ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो सॉरी गाइस। तो भाई लोग जैसे यहाँ पे हम लोग का नेट चलेगा वैसे ही वर्क करेगा, तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग का जो है कि बैकग्राउंड जो है कि बहुत ही गजब तरीके से हम लोग का जो है कि कटआउट हो चुका है, ठीक है। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो कि हम लोग का बैकग्राउंड एकदम अच्छे तरीके से कटआउट हो चुका है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है ना, जगह जगह पर आप लोग देख सकते हैं बैकग्राउंड हम लोग का कटआउट हो चुका है। एंड कुछ ऐसा ही ऑप्शन आ जाएगा आप लोग का, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, जो कि यहाँ पर प्लस वाला ऑप्शन बनाए ना,
नीचे, तो प्लस वाला ऑप्शन जैसे कि यहाँ पे बना है आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, तो इस पर क्लिक करना है, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग का जो है कि ऊपर नहीं जा रही है, तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए, इधर प्लस का ऑप्शन बना है नीचे, ठीक है, तो इसी प्लस वाला ऑप्शन पर क्या करना हम लोग को क्लिक करना है, ठीक है ना। तो इस प्लस वाला ऑप्शन पर जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो ये क्या है आप लोग यहाँ, आप लोग को यहाँ पर दिखा देना है, ठीक है। जैसे कि हम लोग का ये बैकग्राउंड है, ठीक है ना, तो इस पर जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो पीछे का बैकग्राउंड जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं चेंज होता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बोके इफेक्ट वाला भी आया है, एंड यहाँ से हम लोग इसको भी जो कि चेंज कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा हम लोग का यहाँ पर बैकग्राउंड है, पर आप लोग को जो भी यहाँ पर मन करे ना वो यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये बोके वाला बहुत ही गजब तरीके से हम लोग का लग रहा है पीछे बैकग्राउंड, ठीक है। तो आप लोग को जो अच्छा लगे वो मन, जो मन करे आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं सबसे पहले वाले में, तो यहाँ पे आप लोग को यहाँ पर देखिए जो कि प्लस वाला ऑप्शन बना दिखाई होगा, ठीक है ना भाई लोग। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ध्यान से देखिए, यहाँ पर प्लस वाला ऑप्शन बना है, ठीक है। तो इस प्लस वाले ऑप्शन पर क्या करना हम लोग को क्लिक करना है, ठीक है ना। ध्यान से देखिए आप लोग इस प्लस वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, एंड जैसे हम लोग प्लस वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे भाई लोग, तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है जो कि यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग का ब्राउजर का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। एंड इसको हम लोग क्या करेंगे ओपन करेंगे, जैसे इस पर क्लिक करेंगे भाई लोग तो यहाँ पे हम लोग का जो है कि फाइल खुल के ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई लोग, इसको हम लोग बैक आ जाते हैं, बैक आने के बाद इस पर देखिए आप लोग को प्लस वाला ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्लस वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पे जो कि हम इस पर क्लिक कर देते हैं, लेकिन हम लोग का बैकग्राउंड इधर ही मिल जाएगा। तो आप लोग को क्या करना है, इस बैकग्राउंड को हम लोग क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को क्या करना है जो कि शुरू से लास्ट तक देखना है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे बैकग्राउंड मिल चुका है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे भाई लोग, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं किसी भी बैकग्राउंड को यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो किसी भी बैकग्राउंड को ऐड करने के लिए मान लीजिए यहाँ पे इस बैकग्राउंड पे हम लोग क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। तो हम इस वाले बैकग्राउंड पे क्लिक करते हैं, एंड यहाँ पे ऊपर जो कि आप लोग देख सकते हैं, ऊपर सबसे ऊपर आप लोग देख सकते हैं डाउन का ऑप्शन बना है, तो इस डाउन वाले ऑप्शन पर क्या करेंगे हम लोग को क्लिक कर देंगे, ठीक है। एंड जैसे हम लोग उस पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा वेट करेंगे भाई लोग, हम लोग का जो है कि बैकग्राउंड अभी थोड़ी देर में हम लोग का जो है कि एकदम अच्छे तरीके से वन क्लिक में बारीक तरीके से हम लोग का जो है कि बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा वेट करेंगे तो बहुत ही गजब तरीके से जो है कि हम लोग का बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। एंड जैसे कि हम लोग का डाटा मतलब हाई चलेगा तभी ये वर्क करेगा, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, एंड यहाँ पे देख सकते हैं जो कि हम लोग का बैकग्राउंड चेंज हो चुका है, ठीक है भाई लोग, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना। तो बहुत ही गजब तरीके से हम लोग का यहाँ पे बैकग्राउंड चेंज हो चुका है भाई लोग, आप लोग यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग को फिर से क्या करना है, जो कि यहाँ पे आप लोग को यहाँ पर देखिए डाउन का ऑप्शन बना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग ध्यान से देख लीजिए, डाउन का ऑप्शन बना है, ठीक है ना। तो इस डाउन वाले ऑप्शन पे क्या करेंगे हम लोग, क्लिक करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे डाउन का ऑप्शन बना है, ठीक है भाई लोग। यहाँ पे आप लोग ध्यान से देख लीजिए, डाउन का ऑप्शन बना है, इस पर क्लिक करेंगे। एंड इस पर क्लिक करने के बाद भाई लोग आप लोग को फिर से क्या करना है, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, जो कि इधर बाएं तरफ के कोने में जो कि आप लोग को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा डाउनलोड का ऑप्शन, ठीक है। इस पर हम लोग क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे, ठीक है भाई लोग। तो इस पर जैसे हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम लोग को देखिए, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड अगेन का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो इस पर हम लोग को क्या करना है, क्लिक कर देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का जो है कि डिटेल्स में आ जाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग का फोटो जो है कि डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। एंड बहुत ही गजब तरीके से, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ पे गैलरी में दिखा दे रहे हैं, ठीक है। तो भाई लोग बहुत ही गजब तरीके से हम लोग का जो है कि बैकग्राउंड चेंज हो चुका है, ठीक है। वन क्लिक में बैकग्राउंड चेंज फोटो एडिटिंग सीखें भाई लोग, ठीक है। तो वन लाइन फोटो एडिटिंग वन क्लिक में सीख चुके हैं। तो भाई लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, आई लव यू। प्लीज ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो ऐसा ही मैं रोज वीडियो लेकर आता रहता हूँ फोटो एडिटिंग से रिलेटेड, ठीक है। तो भाई लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, आई लव यू। प्लीज सपोर्ट करते रहिए।